क्या नाम है जी आपका? मेरा सुमन। ये कौन सी जगह जहाँ हम खड़े हैं? आप भेड़िया मार्केट में हैं, कैरसर लाइन में। ये जो पेड़ काटे हुए हैं, क्या कहना है इसके बारे में? ये जो पेड़ काटा है ना, उसके लिए हम लोग थोड़ा भी बोलना चाहेंगे, क्योंकि ये कैरसर के आसपास में पेड़ होना चाहिए। लेकिन जो भी काटा है, हम लोग भी बुरा चाहते हैं हम, लेकिन जो काटा है ना, उसको हम लोग बोलना चाहते हैं कि इतना चाहते हैं कि क्यों काटा है। कैरसर में जो काम करने बंदे का थोड़ा बहुत ऑक्सीजन मिलता है काम करने के लिए, इसलिए ये काटने का जो भी जिसने भी काटा है, उसके लिए हम लोग थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट कर देंगे, मत काटो। लेकिन इसको ऊपर से ढक भी दिया हुआ ना? ढक तो दिया, जो काटने वाला चलाक तो बंदे ही है ना, जो इसने काटा वो तो पता ना चले, इसलिए काट के ढक दिया उसने। सरकार कहती है कि पेड़ लगाओ और ऑक्सीजन बढ़ेगी, बढ़ जाएगा, सरकार कहता है। लेकिन बाकी बंदे काट के ना, सरकार के बात नहीं मानता, उन लोग अपने अपने मर्जी से चलते हैं, हम लोग फिर क्या करेंगे। जो वन विभाग के जो ऑफिसर हैं या मुलाजम हैं, वो आते जाते हैं इधर? हम लोग इधर टाइम ही नहीं मिलता देखने का, को ऑफिसर आ जाता कि नहीं जाता। हम लोग कैरसर में 24 घंटे कैरसर में काम करते हैं। आज मंगलवार रोज का छुट्टी होता है कैरसर लाइन में, इसलिए आज जल्दी छुट्टी है, इसलिए शॉपिंग करने गया हम लोग भी। हम लोग को पता नहीं चलता कि कौन क्या करता है इधर उधर, हम लोग को नहीं पता चलता। अगर वो विभाग के जो मुलाजम हैं इधर नहीं आते, इधर दौरा नहीं करते हैं, तो जो चोरी है करते हैं वो काट के ले जाते हैं? उन लोग आते, ऑफिसर आते जाते रहते तो थोड़ी नहीं इधर काट देना था, आना चाहिए तभी तो नहीं काटेगा ना। पता नहीं आया कि नहीं आएगा, तो तभी तो काट के ले गया ना, वो बात है ना। अगर आना होगा तो ऑफिसर घूमते रहते क्यों काटना, वो भी सोच के, जो काटने वाला भी डर होता है ना। लेकिन आता नहीं होगा, इसलिए उन लोग काट के ले गया, जिसने भी ले गया। की नारी थोड़ा? अमरनाथ जी। अमरनाथ जी कितने काम करते हो? मैं माधव स्टोन क्रैशर पे। जिस तरह देखा जाता है कि बेशकीमती जो बूटे जोड़े है वो वन माफिया वालों कट्टे जाते हैं, की कहना? देखो ये कहने पर इस शेर को आने इतने रात को ये बूटे कटाते है ना, सवेरे आके देखना तो बूटे कट्टे होंगे ना, तो कट्टन के बाद की करते हैं, मिट्टी ला के ढक देंगे ना। तो इदा नहीं होनी चाहिए, कोई कार्रवाई होनी चाहिए है। तो ये बूटे नाल सू पर्यावरण मिलता है, तो कोई अफसर ने चैकिंग करनी चाहिए है, तो ताजे दोबारा योजे काम ना हो। सरकार कहती कि बूटे लगाओ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये सू पर्यावरण मिलता है, ऑक्सीजन मिलती है सानू, सरकार कहती है। पर जोड़े लगे देना उन्होंने भी रक्षा करनी चाहिए है कि नहीं? कि लगता कि मुलाजम इधर आते जाते हैं? अं कहीं देखे नहीं, तो ना साढ़े उन्होंने कोई पहचान हैगी है, तो क्योंकि सारा दिन आते भी हो गए, तो साड़ी उन्होंने कोई वाकफी भी नहीं है। तो अं सवेरे लंघना 8 बजे, शाम को लंघना 6 बजे, अं तो अं कोई इधर दिखाई नहीं देता है। कि लगता कि जो जिन्होंने कट्टे बूटे उन्होंने कार्रवाई होगी? हाँ जी कार्रवाई होनी चाहिए जी, उन्होंने कार्रवाई होनी चाहिए जी। तो जो मुलाजम नहीं आते जो देख रेख नहीं करते है, उन्हों की पुछगिछ होनी चाहिए, पुछमंग होनी चाहिए। जब गवर्नमेंट ने बूटे लाए ना, तो उन्होंने जब मुलाजम छे उन्होंने पेमेंट मिलती है, पर उन्होंने गल के इधर देखना चाहिए, आगे ये रक्षा करनी चाहिए, कहते नहीं छे पहले भी बूटे जो कटोए थे शमशान घाट के लागे भी? हाँ जी हाँ जी, इतने भी कटोए थे पहले इतने पहले भी कटोए, 1.5 महीना पहले। लगता नहीं भी अगर सरकार वालों प्रशासन वालों अगर कार्रवाई होती तो ये काम ना होंगे? नहीं होंगे जी नहीं, अगर ये जो गार्ड हों फरिस्टर हों आन इतने देखभाल कर, एक बार बूटे कटे बंद चकन्ने हो जाना चाहिए ना, पर इधर तो अहें कि बंद देखा ही नहीं है। लगता इधर बार बार बूटे कटाते हैं? हाँ बार बार कटाते हैं इतने।